सर मेरा नाम आलोक दुबे है, मैं टाइम्स ऑफ यूपी का स्वतंत्र पत्रकार हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। इतने तरीके की आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराते हैं सर इस फोन कॉल पर। सर आपातकालीन सेवाएं में जो भी होता है सभी आपको दिलाई जाती है, जैसे आपकी गाड़ी खराब हो गई तो उसके लिए अगर आपको कोई सुविधा चाहिए तो मिल जाएगी। ऐसे भी लोग तफरी टाइप के लोग होते हैं जो फोन करके कभी एड्रेस पूछने लगते होंगे, कभी किसी शॉप को पूछने लगते होंगे, ऐसे भी लोग क्या दबा देते हैं बटन को? ऐसे क्या सर, ये बटन दबा के बोल देते हैं कि आप फोन बोल रहे हैं, मैं तो कहीं और फोन लगा रहा था, आपके यहाँ लग गया, ऐसे तो भी आते हैं जी। और मैं इधर से जी सर मैं गुजर रहा था तो मुझे भी लगा कि आपसे बातचीत करें और लोगों को बताएं कि किस तरीके सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं। मित्रों इस वक्त हम लखनऊ जा रहे हैं और जहां पर खड़े हैं सुल्तानपुर का बिल्कुल आखिरी छोर है जिसे हलियापुर बोलते हैं, और ये जो हाईवे है ये फैजाबाद से रायबरेली को जोड़ता है। आप देखे होंगे अक्सर हाईवे के किनारे आपको दिखेगा कि एक पीले कलर का बड़ा सा बॉक्स लगा होता है, उसके बगल में एक फोन मिलाने वाला सिंबल बना होता है। आखिर ये क्यों बना होता है और ये हाईवे के किनारे अकेले ऐसे क्यों इसको लगा दिया गया है और इसके ऊपर इमरजेंसी भी लिखा है। अब ये बताएंगे हम आपको कि आखिर ये क्यों है, क्या इसकी उपयोगिता है और ये हाईवे के किनारे क्यों लगाया जाता है और क्या ये काम कर रहा है या फिर नहीं। आइए हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मित्रों ये इमरजेंसी कॉलिंग बॉक्स है और ये NHI के द्वारा लगाया जाता है। अब हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि काम कर रहा है ठीक तरीके से या फिर नहीं। मैंने बटन दबा दिया है, कॉल रिंगिंग का जो बटन है यहाँ पर जल रहा है रेड कलर का, जब कॉल कनेक्ट हो जाएगा तो इस तरफ का रेड बटन जलने लगेगा जैसा इसमें सिंबल बनाया गया है, लेकिन अभी तक कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया है। कनेक्ट होता है तो हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर मेरा नाम आलोक दुबे है, मैं टाइम्स ऑफ यूपी का स्वतंत्र पत्रकार हूँ। सर मैं नेशनल हाईवे से गुजर रहा था तो मैं चेक करना चाह रहा था कि ये बॉक्स कितना बेहतर काम करता है। तो सर मैं कुछ थोड़ा सा जानकारी आपसे चाहता हूँ, लोगों की जानकारी भेजने के लिए, लोग जागरूक हो इसको लेकर। सर मैंने जब इसके पुश बटन को दबाया तो तकरीबन 10 मिनट बाद सर कॉल कनेक्ट हो पाया सर आपातकालीन सेवा। सर कितना समय होता है इसका? चलिए सर हो सकता है कि हमारे हमसे भूल हुई हो, लेकिन सर कितने तरीके की आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराते हैं सर इस फोन कॉल पर? सर आपातकालीन सेवाएं में जो भी होता है सभी आपको दिलाई जाती है, जैसे आपकी गाड़ी खराब हो गई तो उसके लिए अगर आपको कोई सुविधा चाहिए तो मिल जाएगी जी। आपकी गाड़ी को जो है एक्सीडेंट होता है या कोई उसमें इंजर्ड होता है तो सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, हॉस्पिटल प्रोवाइडेशन में पहुँचाएंगे आपको, हॉस्पिटल तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये बॉक्स लगाया जाता है। सर क्या दिन भर में कितनी ऐसी आपातकालीन सेवा मांगने वाले लोगों का फोन आ जाता होगा? सर आपातकालीन सेवा मांगने वाले तो बहुत कम, लेकिन ये कहते हैं कि मतलब कोई भी गुजर रहा है तो उसको दबा के चले जाते हैं जी। अरे ऐसे दिन भर में मिनिमम कम से कम 50 मान के चले आते हैं। कितने आ जाते सर? कम से कम 50। ओ बाप रे, मतलब लोग अनावश्यक इसके बटन को दबा देते हैं। अनावश्यक दबा देते हैं और हमें बोलते हैं हेलो 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 भी आप सुन पा रहे जी, बस इतना ही बोलते रह जाते हैं। तो सर इसके बाद क्या करते हैं फिर आप, जब बात सामने से नहीं लोग करते तो फिर क्या करते हैं? कॉल डिस्कनेक्ट कर देना पड़ता होगा। कितने समय तक सर लगभग इंतजार करते हो आप लोग? मिनिमम 1 मिनट 2 मिनट सामने वाले का रिस्पॉन्स का वेट करते हैं जी। तो क्या सर ऐसे भी लोग तफरी टाइप के लोग होते हैं जो फोन करके कभी एड्रेस पूछने लगते होंगे, कभी किसी शॉप को पूछने लगते होंगे, ऐसे भी लोग क्या दबा देते हैं बटन को? ऐसे क्या सर, ये बटन दबा के बोल देते हैं कि आप फोन बोल रहे हैं, मैं तो कहीं और फोन लगा रहा था, आपके यहाँ लग गया, ऐसे तो भी आते हैं जी। जी तो कहने का मतलब ये जो सुविधा लोगों को लोगों के हित के लिए दी जा रही कहीं ना कहीं लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं इसका। चलिए सर आपका शुभ नाम क्या सर? सर मैं आलोक दुबे बात कर रहा हूँ टाइम्स ऑफ यूपी न्यूज चैनल से, और सर मैं ये जानकारी लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस इमरजेंसी बॉक्स की उपयोगिता को नहीं समझ पा रहे हैं। और मैं इधर से जी सर मैं गुजर रहा था तो मुझे भी लगा कि आपसे बातचीत करें और लोगों को बताएं कि किस तरीके सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं। सर जी,
सर कृपया सर ऐसे दो मिनट के लिए लाइन पर बने रहिएगा सर। तो ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कंट्रोल रूम से हमारी बात हो रही है और आप इस बात को समझें, अनावश्यक इसके बटन को ना दबाएं, क्योंकि ये आपकी सुविधा के लिए, आपकी सेवा के लिए हाईवे के किनारे लगाया जाता है कि आप किसी भी आपातकालीन समय पर आप इनका इनकी मदद ले सकते हैं। अगर आप इंजरी हो गई, कोई दुर्घटना हुई, गाड़ी खराब हुई है, तो आप इस बटन को पुश करें और जब तक कॉल कनेक्ट ना हो जाए तब तक आप इस बटन को बार बार ना दबाएं। कृपया, इस पर इंस्ट्रक्शन भी लिखा गया है। तो सर सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। सर तुम नाम बता दे सर अपना। सर सर कितने कितने मीटर पर ये बॉक्स लगाए जाते हैं लगभग हाईवे पर? जी जी ठीक सर, ठीक सर, धन्यवाद सर, सेवा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी तो ये हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कंट्रोल रूम से बातचीत कर रहे थे और मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस इमरजेंसी बॉक्स की जो उपयोगिता है लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कृपया करके इस उपयोगिता को समझें और इस वीडियो को अगर आप देख पा रहे हैं तो तमाम जो नागरिक हैं हमारे देश के उन तक पहुंचाइए कि कितनी बेहतरीन सुविधा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको दे रही है। आप कहीं भी हैं लेकिन अकेले नहीं हैं। अगर आपके साथ कोई घटना दुर्घटना घटित होती है तो आपके साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये इमरजेंसी बॉक्स है। बस आपको एक बटन पुश करना है, कॉल रिंगिंग होगी और रिंगिंग होने के बाद बगल में एक रेड कलर की बटन जैसे जलेगी तो कॉल कनेक्ट हो जाएगा और वहां से आपको पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सर कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो आप देखिए, जैसे ही मैंने इनसे कहा कि सर आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं तो देखिए सर यहाँ पे कॉल कनेक्टेड जो था वो वहां की जो रेड लाइट है वो बंद हो चुकी है और आप देखेंगे कि कितना बेहतरीन तरीके से बॉक्स काम करता है। हालांकि मुझे थोड़ा सा समय जरूर लगा कनेक्ट होने में, क्योंकि निश्चित तौर पर इसकी उपयोगिता लोगों को कम पता है, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है। तो कृपया हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि अगर जो सुविधाएं आपको दी जा रही है उसका दुरुपयोग ना करिए। अगर आपको कोई वाकई में जेन्युइन प्रॉब्लम है तो इस बॉक्स का आप इस्तेमाल करिए, अनावश्यक बटन दबाकर आप मत जाइए, क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। जय हिंद।